और क्या आप फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं वहाँ से? मैं पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़ी थी, उसमें हम हारे थे, सभी हारे थे, 10 की 10 सीटें हम हारे। लेकिन उपचुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सरकार पे, इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करेगा। पर एज अ पार्टी, एज कांग्रेस, और क्योंकि मैं वहाँ से नुमाइंदा रही और पिछला चुनाव लड़ा, मैं समझती हूँ कि वहाँ पर हमको पार्टी की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। टिकट कौन किसको मिलता है ये हाईकमान का फैसला होगा, लेकिन इतनी जिम्मेवारी मैं ज़रूर मानती हूँ कि वहाँ पर हम नीचे ज़मीन से काम करें। और हमारी पार्टी लग भी गई है, यहाँ से भी बहुत लोग उत्सुक हैं कि वहाँ जाकर काम करें, पार्टी के लिए काम करें। उनके लोग अपने अपने नाम लिखवाते हैं कि हमारी ड्यूटी लगाइए। आज के दिन लोगों का भी मूड है, कांग्रेस जन चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, तो चुनाव अगर होता है तो हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा में टिकटों के लिए क्या मापदंड तय किए जा रहे हैं? देखो, ये अभी तो स्टेट इलेक्शन कमेटी बनेगी और उसमें कुछ मापदंड होंगे, हाईकमांड के साथ बैठकर ये सब हम करेंगे। जब समय आएगा पार्टी करेगी। और टिकट का वितरण, देखो, एक प्रोसेस है, ये नहीं होता कि मैं जाके कहीं अनाउंस कर दूं या कोई और जाकर अनाउंस कर दे, कैंडिडेट अनाउंस कर दें। ये पार्टी का सिस्टम नहीं है, कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसेस है। नीचे से ऑब्जर्वर होते हैं, हमारे सर्वे होते हैं, फिर स्टेट इलेक्शन कमेटी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, तो वहाँ पर अंतिम फैसला होता है। सीएम चेहरों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, आपने कहा कि सभी सीएम बनना चाहते हैं, चंडीगढ़ में आपका बयान था। मैंने कहा, आपने कहा कितने ही कैंडिडेट में क्या आज के दिन कौन किसको रोक सकता है। लोगों की भी इच्छा, जो वर्कर है वो अपने अपने जिनके साथ जुड़े हैं उनके नारे लगाते हैं। तो ये तो एक, देखो अभी हम ऑपोजिशन में हैं, ये चल रहा है, लेकिन सीएम का फैसला आखिरकार हाई कमांड करती है। ये हाई कमांड का फैसला होता है। हाँ ठीक है, अब मैं उस बात में नहीं जाऊंगी, जो भी हुआ जैसे हुआ उस पर मैं नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ कैसे हुआ पार्टी के अंदर फोरम में वहाँ पे जैसे भी हुआ। प्रधानमंत्री विदेशों में गए, वो कहते हैं हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत हुआ है और विकास के पथ पे हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। विकास तो लोग ढूंढते फिर रहे हैं, भाई ये विकास छुप कहाँ गया, ढूंढ के तो लाओ, विकास कहाँ रह गया 10 साल में? जुमले पे जुमले मिले हैं, धोखा हुआ है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देना था, वो कहाँ गया? नोटबंदी के नाम पर आपने देश को ठप कर दिया। GST जिस तरह से आपने लागू की, रोज 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 उसमें फेरबदल करना पड़ रहा है। जो नॉन BJP स्टेट्स हैं और ख़ास तौर से कांग्रेस की स्टेट्स या दूसरी पार्टियों की जहां पर सरकारें हैं, वहां पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हर तरह से कोशिश होती है, साम दाम दंड भेद लोकतंत्र में, जो कि नहीं इस तरह से होना चाहिए। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या खेल किया। भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं सारे वो लोग जिन पर ये उंगलियां उठाते, जिनके बारे में कुछ भी बोलते या जिनके पीछे ED IT वगैरह लगाते थे, उनको अपनी पार्टी में ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और उनका शुद्धिकरण कर देते हैं। फिर ना करप्शन की बात, ना कुछ और बात, ना ED, ना IT, कुछ नहीं, सारी पावर उधर। तो आप देख सकते हैं कि सत्ता की भूख और लोकतंत्र को कमज़ोर करने में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन सबसे आगे है। इनका कोई विश्वास नहीं। यही बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं बचाने की आज ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सबको ख़त्म करती जा रही है। मीडिया है, मीडिया को बड़े बड़े हाउसेस ने खरीद लिया। आप लोग यहाँ बैठे हो, आप कितना ही चाहो रीजनल पार्टीज, रीजनल मीडिया में फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया आप देख लो कितना इंडिपेंडेंट है, कौन उनके ओनर है आप देखो, आप खुद बताओ।
जुडिशरी, मीडिया, ऑपोजिशन, ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है लोकतंत्र में, और ये सभी संस्थाओं को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। राहुल जी का यात्रा का देश में क्या प्रभाव है, आप साथ भी रही? राहुल जी ने ऐसा ऐतिहासिक काम किया जो किसी ने नहीं किया। कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक पहुंचे और इन्होंने बड़ा मखौल उड़ाया राहुल जी का, लेकिन उस आदमी ने करके दिखाया, क्योंकि कमिटमेंट है देश के प्रति, इवेंट नहीं है, कमिटमेंट है। ऐसे नहीं है कि बस फोटो खिंचाई और चल पड़े, गर्मी सर्दी बरसात बर्फ हर तरह से उन्होंने चल के लोगों के लिए, लोगों के बीच में जाकर मुद्दों को उठाना, युवाओं को, गरीबों को, महिलाओं को, सबसे बातचीत करना, खेत में रुककर मजदूर से बातचीत करना, सबसे बात की। क्या उनके विपरीत आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी किसी प्रेस से बात की है क्या? उन्होंने आज तक एक भी प्रेस वार्ता हुई है क्या? लोकतंत्र में कहाँ गया मीडिया, कहाँ गई प्रेस? क्या कभी भी वो लोगों से सीधा मन की बात, अपने मन की बात के अलावा क्या माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों के बीच में उतरे कभी? कभी नहीं। विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ पर इवेंट्स होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट होता है। तो लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कोई वास्ता नहीं, केवल धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति। तभी राहुल जी ने बोला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हम सबको, कांग्रेस पार्टी को और लोगों के लिए, हमको ये विचारधारा को मजबूत करना। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम है। बात वही है कि केंद्र सरकार विदेशों में जाकर तो पाठ पढ़ाते हैं, अपने देश में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने के लिए ये क्या कर रहे हैं? इतने दिन हो गए, कितने लोगों की जान गई है, कितनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, क्या उसका आकलन लगा है? और अभी भी थमने का नाम नहीं, तो क्या कर रही है भारत सरकार, क्या राजनीति हो रही है वहाँ पर? राहुल जी तो जाते हैं, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी सोचा कि वहाँ जाएं, शांति के लिए अपील करें, वहाँ जाकर लोगों को मरहम लगाएँ? ऐसा कुछ कहीं नहीं नज़र आया। सिरसा की पब्लिक लोकसभा चुनाव को लेकर आपके मुंह की तरफ देख रही है, अब सिरसा भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? देखो, ये हमारी भावना होती है, हमारा प्यार होता है और हमारा जो पीढ़ियों का रिश्ता है वो है। और मैं तो जब भी हो, जैसा भी हो, आपको मालूम है अब एक पांव मेरा छत्तीसगढ़ में होता है, एक हरियाणा में होता है। अब आज यहाँ हूँ, कल फतेहबाद रतिया टोहाना साइड हैं, आज सुबह भी थे, और परसों और तीन चार दिन मैं अम्बाला में हूँ, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ जाना है। तो देखो, सारा प्यार है, काम है, सभी साथियों से मेरी अपील है कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, विचारधारा को मजबूत करें।